किसान भाइयों नमस्कार इस समय पर अधिकतर क्षेत्रों में सोयाबीन की फसल में फूलों से फलियां बन चुकी हैं लेकिन जो लेट पकने वाली वेरायटियाँ हैं उन वेरायटियों में तथा जिन क्षेत्रों में थोड़ी लेट बुआई हुई थी उन क्षेत्रों में इस समय पर सोयाबीन में फूल निकल रहे हैं तो अगर आप सोयाबीन का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो सोयाबीन की फसल में फूल निकलने के बाद और फलियाँ बनने के बाद आपको बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इस स्टेज में सोयाबीन की फसल में कई प्रकार के चूसक कीट और छोटी बड़ी इल्लियों का अटैक देखने को मिलता है जिन इल्लियों को अगर आप समय रहते कंट्रोल नहीं करते हैं तो वह इल्लिया आपकी पूरी फसल को बर्बाद कर सकती है इसके अलावा एंथ्रकनोज और राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट जैसी खतरनाक बीमारियों का अटैक भी इसी स्टेज में देखने को मिलता है तो किसान भाइयों हमारे इस वीडियो का टॉपिक है कि सोयाबीन की पैदावार बढ़ाने के लिए सोयाबीन में फूल और फलियाँ बनने के बाद हमें कौन कौन से काम करना चाहिए और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए तो इसके लिए आप वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास आए घंटी के निशान को ज़रूर दबा दीजिए ताकि हम जैसे नए वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए किसान भाइयों हम वीडियो में आगे बात करें उससे पहले मैं आपके साथ एक जानकारी शेयर करना चाहता हूं कि अगर आप प्याज की खेती करते हो और आपको प्याज के बीज की ज़रूरत है तो आप इसके लिए संतोष जी राजपूत भाई साहब से संपर्क कर सकते हैं इनके यहाँ पर आपको एलोरा चाइना किंग प्रशांत डबल पत्ती और पंचगंगा पूना परसुंगी प्याज का बीज आसानी से मिल जाएगा और इस बीज की आपके घर तक होम डिलीवरी भी हो जाएगी तो बीज खरीदने के लिए वीडियो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हो किसान भाइयों अब अगर बात करें कि सोयाबीन की फसल में फल फूल बनने के बाद कौन कौन सी समस्याएं आती हैं तो सोयाबीन की इस स्टेज में एंथ्राकनोज और राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट नाम की बीमारियाँ सबसे ज़्यादा फैलती है किसान भाइयों एंथ्राग्नोज रोग में पत्तियों पर छोटे छोटे पीले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं इसके अलावा तना बीच में से सूखने लगता है और फलियों पर भी पीले धब्बे पड़कर फलियां फलियाँ भी सूखने लगती है और राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट रोग में पत्तियाँ झुलसी हुई नजर आती हैं अगर आप पत्तियों को ध्यान से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि पत्तियाँ कहीं से जल गई हो और पत्तियों के साथ साथ जो सोयाबीन की फलियाँ होती हैं वह फलियाँ भी राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट की वजह से ख़राब हो जाती है इसलिए इन दोनों रोगों को कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर एंथ्राक्नोज और राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट को समय रहते कंट्रोल नहीं किया जाता है तो यह पैदावार को 30 से 40 प्रतिशत तक कम कर सकते हैं इसलिए अगर आपके सोयाबीन में इन दोनों रोगों में से किसी भी एक रोग का अटैक हो रहा है तो उसके लिए आप टेबू कोनाजोल दस प्रतिशत प्लस सल्फर पर पैंसठ प्रतिशत डब्ल्यू जी टेक्निकल वाली पंगीसाइड का प्रयोग पाँच सौ ग्राम प्रति एकड़ की दर से करें इसके अलावा आप चाहे तो पायरेक्लोस्ट्रोबिन प्लस फ्लूक्सा पायरोक्साड टेक्निकल वाली पंगिसाइड का प्रयोग भी 120 सौ प्रति एकड़ की दर से कर सकते हो इसके अलावा इस स्टेज में स्टेम प्लाई का अटैक दिखाई देना भी शुरू हो जाता है तो अगर आपके सोयाबीन के पौधे पीले पड़ रहे हैं तो आप पौधे के तने को चीर कर देखिए अगर उसमें आपको तना ख़राब नज़र आता है या फिर तने में छोटी सी लट नज़र आती है तो यह समझ लीजिए कि आपके सोयाबीन में स्टेम प्लाई का अटैक हो रहा है लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस स्टेज में स्टेम लाइक किसी भी दवाई से कंट्रोल नहीं होगी तो सबसे बेस्ट यही रहेगा कि आप उसके लिए किसी भी प्रकार का कोई खर्च ना करें अगर आपके सोयाबीन में स्टेम लाइक का अटैक हो जाता है तो सबसे बेस्ट यही रहेगा कि आप एन पी के जीरो बावन चौंतीस जीरो, जीरो जीरो पचास बारह इकसठ जीरो तेरह जीरो पैंतालीस और उन्नीस उन्नीस जैसे खादों का स्प्रे करते रहिए जिससे पौधे को पत्तियों के माध्यम से पोषक तत्व तो तो मिलते रहेंगे और पौधा थोड़ी बहुत पैदावार दे देगा इसके अलावा इस समय पर कुछ क्षेत्रों में पत्तियां खाने वाली इलियाँ फलियां काटने वाली इल्लियाँ फलियों को डैमेज करने वाली इल्लियाँ तथा फूलों को खाने वाली इलियों का अटैक देखने को मिल रहा है तो किसान भाइयों इन सभी प्रकार की इलियों को कंट्रोल करने के लिए आप क्लोरेंड्रा नीलीप्रोल टेक्निकल युक्त कीटनाशक जैसे कि की एपीएमसी की कोराजन बीएसएफ की वेस्टिकोर और दानों का की कवर का प्रयोग कर सकते हैं लेकिन अगर आप हर साल कोराजन का प्रयोग करते हैं तो आपके खेत में लगने वाले कीटों में कोराजन के प्रति रेजिस्टेंस पैदा हो गया होगा इसलिए कोराजन का रिजल्ट कम मिलेगा तो इसके लिए आप जो मार्केट में अदर टेक्निकल हैं जैसे कि टेट्रानेलिप्रोल स्पिनेटोरम फ्लूबेंडियमाइड इन टेक्निकल का प्रयोग भी कर सकते हो और अगर आपके सोयाबीन की फसल में इलियो के साथ साथ सफ़ेद मक्खी का अटैक भी हो रहा है तो इसके लिए आप थामेथिकसोम एसिटा मेप्रीड इमिडाक्लोपिड बाईपेंथ्रीन और डाईपेंथर जैसे टेक्निकल का प्रयोग भी कर सकते हो तो किसान भाइयों इस वीडियो में हमने एंथ्राकनोज राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट स्टेम्पलाई छोटी बड़ी सभी प्रकार की इलिया और सफ़ेद मक्खी के बारे में बात की है तो आपको यह वीडियो कैसा लगा वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है इस समय पर आपके सोयाबीन की फसल कैसी है कमेंट करके अवश्य बताइए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें चले मिलते हैं अगले वीडियो में जय जवान जय किसान